नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स पे स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है मोबाइल फोन के साइड इफेक्ट। मगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरीके से मोबाइल फोन को खराब नहीं बताना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मोबाइल फोन एक खराब इन्वेंशन है या खराब प्रोडक्ट है, खराब टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है। मगर जब मैंने मोबाइल फोन के बारे में पढ़ा तो कुछ फैक्ट्स मेरे सामने आए जो मुझे पढ़ने के बाद बहुत अजीब लगा और दुख भी लगा कि अगर ये प्रॉब्लम हमारे देश के बच्चों को होगी, अगर वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो प्रॉब्लम जो मैंने अभी तक पढ़ी है या मैंने कहीं ना कहीं अपनी रियल जिंदगी में देखी है, तो आपको भी उस प्रॉब्लम के बारे में या उन हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताऊं। तो आज का टॉपिक मोबाइल फोन के ऊपर है, यानी कि टॉपिक का नाम है बच्चों में मोबाइल फोन के साइड इफेक्ट। यानी कि जब इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा तो उस आर्टिकल में लिखा था कि आज अगर अपने देश की बात करें तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, कोई भी हो, जो मोबाइल फोन यूज नहीं कर रहा है। मगर मोबाइल फोन यूज कर रहा है वो ठीक है, मगर कहीं ना कहीं मोबाइल फोन का जो यूजर्स है वो काफी एक्सेसिव है। यानी कि अगर आप देखें तो कई सारी फैमिली में मैंने देखा है कि जैसे मान लीजिए बच्चा छोटा है और कहीं ना कहीं रो रहा है या कोई जिद कर रहा है, तो मम्मी या पापा ने उसको मोबाइल फोन दे दिया और मोबाइल फोन पे वो वीडियो देख रहा है, अब खुश है वो। यानी कि बच्चे को चुप कराने के लिए हम जो ऑप्शन लेके आ रहे हैं वो मोबाइल फोन है। अच्छा, अब छोटा सा बच्चा जिसको तो ये समझ आ रहा है कि वीडियो देख रहा हूं बड़ा मजा आ रहा है, मगर वो बच्चा जब बड़ा होता है तो मोबाइल फोन से वो बहुत कनेक्टेड हो जाता है। उसको लगता है कि यार मेरी दुनिया ही बस इसमें है, यानी कि मेरी जो दुनिया है वो सिर्फ यही है, क्योंकि शुरुआत से जब से मैं छोटा था तब से मेरे बाप बाप ने मेरे सामने यही रखा है, मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। तो इतना कनेक्टेड हो जाता है मोबाइल फोन से कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उस बच्चे से मोबाइल फोन लेना मतलब बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। तो अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे रहे हैं, खास तौर से बहुत कम एज में दे रहे हैं, छोटी एज में दे रहे हैं, तो क्या क्या साइड इफेक्ट एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन हमें फेस करने पड़ेंगे, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या साइड इफेक्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट, पहली प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम। देखते हैं इस आर्टिकल में लिखा क्या है। इसमें लिखा है एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 50% से ज्यादा बच्चों में मोबाइल फोन की वजह से रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई है। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि ज्यादातर बच्चे सोकर या फिर झुककर फोन चलाते हैं, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आने लगती है और इसका असर उनके शरीर पर पड़ता है। यानी मोबाइल फोन का इस्तेमाल अगर बच्चा कर रहा है, आपने बचपन से उसको मोबाइल फोन दे दिया, तो स्टार्टिंग में तो नहीं मगर कुछ समय बाद उस बच्चे के शरीर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, बैक पेन होना शुरू हो जाएगा। यह पहला साइड इफेक्ट है जो इस आर्टिकल में मैंने पढ़ा, आपको बता रहा हूं। बात करते हैं क्या अगला पॉइंट है। जी, अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट है वास्तविक जीवन से दूर हो रहे हैं। अब एक पॉइंट क्या कहता है, देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है। लिखा है बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन आने से बच्चे वर्चुअल लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं और रियल लाइफ से दूर जा रहे हैं। लगातार YouTube कौन सा वीडियो देखना है, YouTube पे, Facebook पर, ये सब उनको याद है, मगर रियल जिंदगी में किसके साथ बैठना है इसके बारे में कोई पता नहीं है। घर में कौन आ रहा है, कौन मिलने आ रहा है, कोई बात नहीं, मगर बच्चा एडिक्टेड हो गया, यानी रियल लाइफ से बाहर हो गया है, रियल लाइफ का कुछ अता पता नहीं है, घुसा हुआ है मोबाइल फोन में, एक वर्चुअल जिंदगी में घुसा हुआ है, वो उसको उसके बारे में सब पता है, रियल लाइफ नहीं पता है। घर में कौन आ रहा है नहीं पता है, किससे मिलना है नहीं पता है, कौन क्या कह रहा है नहीं पता है, बच्चे बड़ों के साथ नहीं बैठ रहे, एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को मोबाइल फोन दे रहे हैं तो हम उनको रियल लाइफ से, जो सच्ची जिंदगी है, उससे दूर कर रहे हैं। यह दूसरा साइड इफेक्ट है।
चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तीसरी प्रॉब्लम क्या फेस होगी अगर बच्चा मोबाइल फोन यूज कर रहा है, याद करने की क्षमता कमजोर होना। क्या कहता है आर्टिकल, जैसे जैसे बच्चे मोबाइल फोन के आदि हो रहे हैं वैसे वैसे उनके सीखने की क्षमता कमजोर हो रही है। बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है और उनके याद करने की क्षमता भी कमजोर हो रही है। एक तरफ जहां पहले मोबाइल फोन नहीं होते थे, बच्चे या तो पढ़ाई करते थे या अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता था। लेकिन मोबाइल फोन के बच्चों के हाथ में आ जाने से शारीरिक मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी होती थी, बाहर जाके बच्चे खेलते थे, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है अगर पढ़ नहीं रहे हैं। मगर आज की तारीख में अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन उठाया, चीजें उसमें सेव करना शुरू कर दी, हर चीज रिकॉर्ड मोबाइल फोन में है, दिमाग को प्रेशर ही नहीं दे रहे हैं। तो दिमाग को प्रेशर नहीं देंगे, दिमाग याद ही नहीं करने, दिमाग का इस्तेमाल वो याद करने के लिए कर ही नहीं रहे, क्योंकि रिमाइंडर लगा लेंगे मोबाइल फोन में, वो याद करा देगा, वो बता देगा क्या क्या है। कई बार तो ऐसा देखा है, मैंने बच्चे से पूछा है कि बेटा आपका स्कूल में पहला लेक्चर किसका होता है, दूसरा लेक्चर किसका होता है, तीसरा लेक्चर किसका होता है, पता ही नहीं है सर, मोबाइल फोन में देख के बता देंगे सर, टाइम टेबल की फोटो खींच के रखी हुई है सर, याद ही नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं याद करना, मेमोराइज करना बच्चे को वो कमजोर होता जाएगा अगर हमने उससे मोबाइल फोन दिया या शुरुआत में हमने मोबाइल फोन देना उसको शुरू कर दिया। चौथा असर क्या पड़ेगा, आंखों पर बुरा असर पड़ेगा। सिंपल है, आंखों पर बुरा असर पड़ेगा। आर्टिकल क्या कहता है, अक्सर बच्चे जब ज्यादा देर तक मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो यह उनकी आंखों पर भी असर डालता है। छोटी उम्र में ही उनके चश्मे लगने स्टार्ट हो जाते हैं ब्राइटनेस की वजह से, क्योंकि मोबाइल फोन में ब्राइटनेस काफी ज्यादा रहती है, तो कहीं ना कहीं आंखों पर असर है। और हमें मोबाइल फोन में रेस्ट्रिक्ट होके आंखें को हमें देखना पड़ता है। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे जो आई स्पेशलिस्ट हैं, वो तो सख्त खिलाफ हैं कि मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए, तो मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को मोबाइल फोन दे रहे हैं या मोबाइल फोन का यूज बच्चे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट भी मजबूर हैं और ये ड्रॉबैक तो है। और छोटे बच्चों के जीवन में बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है। आगे आर्टिकल क्या कह रहा है, अगर एक तरह मोबाइल फोन चलाने के लिए जहां आंखों को मोबाइल फोन में ही केंद्रित करना होता है, वही बात लिखी है कि एक तरफ हमें अपनी जो आईज है एक ही तरफ देखना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो रोशनी है, उसकी जो ब्राइटनेस है, उसकी जो रेज है, वो हमारी आंखों में आ रही है और कहीं ना कहीं वो आंखें हमारी कमजोर कर रही हैं। ये प्रॉब्लम भी हम बच्चों के साथ देख सकते हैं अगर हमारे बच्चे एक्सेसिव मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है आर्टिकल में, कहता है व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाना। बिल्कुल सही लिखा है, यानी कि लिखा है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देने से धीरे धीरे वो उनके आदी होने लगते हैं, आगे चलकर लत में बदल जाता, यानी कि वो चीज उनकी लत में आ जाती है, एडिक्शन में आ जाती है। और अगर आप उनसे कह दीजिए कि नहीं मुझे मोबाइल फोन अब नहीं देना, आज से तुम्हारा मोबाइल फोन हम ले लेंगे, तो फिर आप उनके बिहेवियर में चेंजेस देखिए। कई बार तो वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन नहीं ले लिया बल्कि ऑक्सीजन का सिलेंडर ले लिया, जिंदगी बन गई है सर। मोबाइल फोन उनके अगर हाथ से चला गया तो पता नहीं जिंदगी खत्म हो जाएगी सर, क्योंकि जिंदगी तो वर्चुअल लाइफ है जो मोबाइल फोन में है और आपने उनसे वर्चुअल लाइफ उनकी छीन ली है, तो रियल लाइफ तो उनको पता नहीं है, वर्चुअल लाइफ आपने छीन ली, जिंदगी खत्म होगी सर, मेरे फ्रेंड्स खत्म हो गए, मेरा सर्कल खत्म हो गया अगर मोबाइल फोन मेरे मम्मी पापा ने मुझसे ले लिया। तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं कई बार छोटे बच्चों को, अगर आप देखें तो मोबाइल फोन पर वीडियो देख रहा है या कुछ देख रहा है, आप उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लीजिए। जैसे ही आप मोबाइल फोन छीनेंगे तो वो गुस्से में दिखाएगा, बोल तो पाएगा नहीं मगर चिल्लाएगा, अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो अगर ये चीज हमने नहीं रोकी तो आगे जैसे जैसे बच्चा वो बड़ा होता जाएगा वो और बड़ी प्रॉब्लम है, वो लत हो जाएगी और फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको रोकना। तो एक ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगला आर्टिकल क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है मोटापा बढ़ना। यस, यानी मोबाइल फोन का इस्तेमाल अगर हम एक्सेसिव करते हैं, तो देखिए ऐसा तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मोबाइल फोन में कोई वीडियो देख रहा है और वो भाग रहा है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं, मोबाइल फोन पकड़े हुए क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं। इसका मतलब मोबाइल फोन को लेकर हम क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते और वीडियो देखते रहते। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, अगर आप चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं,
तो फिर मोटापा तो बढ़ना ही है, एक्सेसिव वेट बढ़ेगा आपका। आर्टिकल में क्या लिखा है? आर्टिकल में लिखा है कि रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जिन बच्चों को कमरे में मोबाइल फोन चलाने के लिए दिया जाता है उनमें 30% बच्चों में मोटापा बढ़ने की शिकायत रही है, और कमरे में लगातार एक जगह ही बैठे रहने की वजह से भी, शरीर में हलचल ना होने की वजह से भी मोटापा बढ़ने लगता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये अगर हमने इसको समय रहते नहीं रोका तो ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा, हमारे बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है? नींद की कमी। मोबाइल फोन यूज करने से, डेटा क्या कहता है आर्टिकल में क्या लिखा है, 60-70% बच्चे अपने बेडरूम में मोबाइल फोन का यूज करते हैं। 60-70% बच्चे बेडरूम में मोबाइल फोन का यूज करते हैं, जिससे उनकी नींद पर भी असर पड़ता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितनी देर से वो मोबाइल फोन चला रहे हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन उनकी नींद को या उनके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, नींद पूरी नहीं होती है क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन है, जरा सा वाइब्रेट हुआ, थोड़ी सी घंटी बजी, दिमाग खुल गया, नींद खुल गई, अरे किसने मैसेज किया होगा। तो नींद अगर प्रॉपर नहीं होती है, और ये तो उनके लिए तो और खराब है जो स्टूडेंट है, अगर जो स्टूडेंट है अगर वो प्रॉपर सोएंगे नहीं तो फिर क्या अगले दिन क्या इंपैक्ट होगा। मान लीजिए वो स्कूल जा रहे हैं, टीचर क्लास ले रहा है, पीछे की बेंच पकड़ के सो रहे हैं, टीचर कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, वो नींद में है। अब टीचर कहता है कि सर आपको नींद क्यों आ रही है, हेडेक हो रहा है, सर मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, वो तो होना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर भी जानता है और पेरेंट भी जानता है, सर ये वॉमिटिंग हेडेक क्यों हो रहा है, सर 2-2 बजे तक रात को मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जा रहे हो, हेडेक तो होना ही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मोबाइल फोन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, और साथ साथ में अगर नींद पूरी नहीं होगी तो अपने आप से पूछिए कैसे आप हेल्दी रहेंगे, कैसे आप स्वस्थ रहेंगे अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो इसीलिए ये एक और ड्रॉबैक जो आर्टिकल बताता है कि सर अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, और ये बात सिर्फ बच्चों पे लागू नहीं होती है, हर उम्र पे व्यक्ति पे लागू होती है कि अगर आप मोबाइल फोन का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। 60-70% बच्चे मोबाइल फोन बेडरूम में इस्तेमाल कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, आर्टिकल कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ और ड्रॉबैक है? बिल्कुल है, मानसिक रोगी हो जाना, मेंटल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना। क्या क्या प्रॉब्लम लिखी है? बच्चों में ज्यादा मोबाइल फोन के यूज से डिप्रेशन, एंजाइटी, अटैचमेंट डिसऑर्डर, यस ये एक टर्म है, अटैचमेंट डिसऑर्डर, ध्यान नहीं लगना, नींद नहीं आना, न जाने ऐसी कितनी प्रॉब्लम जो है वो मोबाइल फोन की वजह से शुरू हो जाती है। नीचे क्या लिखा है? तो कहीं ना कहीं अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमें इन तरीके की बीमारियां ना हो, डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, अटैचमेंट डिसऑर्डर ना हो, कई बार लगता भी है कि जैसे एक बार मैंने फील किया कि जब भी हम किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे किसी की फोटो देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है यार इसकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, मतलब हर 15 दिन में कोई नई जगह, कोई नई ड्रेस, कोई नई जगह पहुंचकर ये फोटो खिंचा रहे, हम अपने घर पे ही पड़े हुए हैं। कई बार इंफीरियर वाली फील आती है, हमारी जिंदगी तो बड़ी बेकार है, इसकी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है। मगर कहीं ना कहीं आप देखें तो जो वो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं सर, वो वर्चुअल लाइफ है, एडिट वाली लाइफ है, रियल जिंदगी नहीं है, और उसको आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। तो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं तो गुस्से का चिड़चिड़ापन, जैसे इसमें लिखा था चिड़चिड़ापन आ जाता है, सर मेरी जिंदगी में वो छोड़ ही ना, वो हर 15 दिन में घूमने चला जाता है, वो रोज नई ड्रेस पहन के फोटो खिंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर अपने ऊपर डेवलप होता है जो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल में क्या लिखा? आगे आर्टिकल में लिखा है कि अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल अगर आपका बच्चा या आप खुद एक्सेसिव कर रहे हैं तो फिर आप अपनी जिंदगी में अपनी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यानी कि मोबाइल फोन का एक्सेसिव इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो जितनी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई या तो आप फेस करेंगे या फिर आपका कोई बच्चा फेस करेगा या कोई भी पर्सन जो मोबाइल फोन का एक्सेसिव यूज कर रहा है। सर टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, मोबाइल फोन खराब नहीं है, मोबाइल फोन का यूज खराब नहीं है, मगर कहीं ना कहीं एक्सेसिव यूज मोबाइल फोन का वो खराब है।
तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है कि मोबाइल फोन का यूज आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा है आपकी रियल लाइफ में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल फोन यूज मत करिए, मोबाइल फोन यूज करिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जो है मोबाइल फोन को लेकर पेरेंट के साथ झूठ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेरेंट ने कहा कि मोबाइल फोन दे दो, एग्जाम आ रहे हैं, मोबाइल फोन में तुम्हारा जमा कर लूंगा या नहीं दूंगा, 3-4 महीने बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, तो बच्चे झूठ बोलते हैं। आप क्या कहते हैं, आपको पता है मेरे जो सर है ना वो सारे असाइनमेंट व्हाट्सएप पे भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट को कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया मोबाइल फोन अगर नहीं रहेगा तो पढ़ाई हैम्पर हो जाएगी, ये झूठ है। यानी कि अगर असाइनमेंट टीचर व्हाट्सएप पे भेज रहा है, चलिए मान भी लेते, तो उसको अपने मदर या फादर का नंबर दे दो, उसको वहां बोल दो कि असाइनमेंट वहां भेज दे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मोबाइल फोन अगर नहीं रहेगा तो उससे आपके परसेंटेज इंप्रूव होंगे, बेटर होंगे, रेदर देन मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके डिस्ट्रैक्शन है, नुकसान है। तो इसलिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बुरा उसका यूज है कि कितना हम उसका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, और अति तो किसी भी चीज की खराब होती है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बात आपको बोली है मोबाइल फोन के यूज को लेकर, जो पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस करी हैं, प्लीज उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और एक टाइम पीरियड बना लीजिए कि भाई इस टाइम के बाद मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं यूज करूंगा मोबाइल फोन, टैबलेट, इंटरनेट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के साथ साथ, हमारी याद करने की कैपेसिटी के साथ साथ बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए मोबाइल फोन का एक्सेसिव यूज जो है वो सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा आपको, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। स्टूडेंट को बहुत नुकसान है अगर वो मोबाइल फोन का एक्सेसिव यूज करता है। चलिए, तो आपसे मुलाकात अगले वीडियो में होगी, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, वो आप तक पहुंच गया होगा या आप उस बात को समझ गए होंगे। तो मैं आपसे मुलाकात अगले वीडियो में करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।